गाइस, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y71 डिवाइस के अंदर ऐप लॉक सेटिंग का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ऐप लॉक सेटिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। किसी भी ऐप को आप लॉक करने के लिए जस्ट आपको फोन सेटिंग्स को ओपन करना होगा। सो हमारा सेटिंग्स यहाँ पर, इसको हम क्लिक करेंगे। हालांकि मैं जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वीवो का Y53 है, ऑलमोस्ट आपको सेटिंग्स सेम मिल जाएंगी क्योंकि जो उसका OS है सेम होता है। हमारा जो OS है रन कर रहा है FantaJOS 6 पर, और आपका भी OS सो है Fanta 5 या फिर 6 पर रन कर रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐप लॉक करने के लिए नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है। मोस्टली क्या होता है, जितने भी फोन्स के अंदर फिंगर सेंसर का ऑप्शन नहीं होता उसके अंदर जो आप लॉक स्क्रीन का आपको सेटिंग्स देखने को मिलता है वो सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर मिल जाता है। हालांकि मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फेस लॉक, स्क्रीन लॉक, ऐसे जो सेटिंग्स हैं सारी की सारी हमें सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर मिल जाती है। तो ऐप लॉक करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्शन का एक सेटिंग्स है इसे हमें प्रेस करना होगा। तो जस्ट हम इसको क्लिक करेंगे। जहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करके रखा है, हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे एप्लीकेशन को लॉक भी करके रखा है, तो हम यहाँ से इस पासवर्ड को सबसे पहले रिमूव करेंगे एंड आपको दिखाएंगे कैसे जो अपने फ़ोन के अंदर इजीली एक पासवर्ड लगा सकते हैं और एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो लॉक है वो जो है डिसेबल्ड हो चुका है। अगेन हम क्लिक करेंगे प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्शन ऑप्शन पर, जिसमें हमारे पास यहाँ पर 6 डिजिट का एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। हालांकि अगर आपको 6 डिजिट का पासवर्ड नहीं चाहिए तो आपको पासवर्ड ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अल्फा नंबरिंग पासवर्ड, 4 डिजिट पासवर्ड और यहाँ पर पैटर्न्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको अपना नाम वगैरह लिखना तो अल्फा नंबरिंग का आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप अपने नाम को ही पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको 4 डिजिट का पासवर्ड चाहिए तो आप 4 डिजिट पासवर्ड पर क्लिक करके 4 अंकों का भी पासवर्ड लगा सकते हैं। अगर आपको पैटर्न का यूज़ करना तो आप पैटर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर हम एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे रैंडम सा कुछ भी। तो हमने यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर दिया। हमारे पास अगेन यहाँ पर एक पासवर्ड और क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, सेट सिक्योरिटी क्वेश्चन। यहाँ पर ये आइडेंटिटी वेरीफिकेशन पासवर्ड होता है। यहाँ हम एक 2 क्वेश्चन का आंसर देते हैं। हालांकि मैं कोई भी क्वेश्चन का आंसर किसी भी फॉर्म में दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में एक शॉर्ट फॉर्म का एक जो है वर्ड लिख दिया, टेक्स्ट लिख दिया है। इनकेस अगर हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो अब इन टेक्स्ट की मदद से इजीली अपने फोन के पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो आप भी अपने मर्जी के हिसाब से यहाँ से भर देना। हालांकि क्वेश्चन आंसर में और कोई क्वेश्चन चूज करना चाहें तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट प्राइमरी स्कूल डिड यू अटेंड। तो आप यहाँ से कोई भी यूज़ कर सकते हो। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, आप चाहें तो पापा का नाम लिख सकते हो या फिर मम्मी का नाम भी डाल सकते हो। जो आपको यहाँ पर चूज़ करना हो क्वेश्चन आप यहां से चूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैं रैंडम ही कुछ भी टाइप करके यहां पर डन कर दूंगा। अब हमारे पास यहां पर प्राइवेसी पासवर्ड जो है कम्प्लीटली लग चुका है। अब लॉक करने के लिए एप्लीकेशंस को हमारे पास ऑलमोस्ट सभी के सभी एप्लीकेशन आ जाएंगी। जिस भी ऐप को लॉक करना है तो जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से ऑन कर देना है इन सबको, जितने भी एप्लीकेशन को आप लॉक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने 8 to 10 को यहाँ पर लॉक कर दिया है। अब इसको हम यूज़ करेंगे और आपको दिखाएंगे जो स्क्रीन लॉक पासवर्ड कैसे वर्क करता है। हालांकि मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को लॉक करा है तो यहाँ से कट करूँगा। क्रोम ब्राउजर को हम ओपन करेंगे यहाँ से। इसके बाद जैसे क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, हमारे पास जो पासवर्ड हमने लगाया था क्रोम ब्राउजर पे वो हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर हमारा पासवर्ड एंटर करेंगे और इजीली हम क्रोम ब्राउजर के अंदर एंटर हो जाएंगे। ऐसे यूज़ कुछ यूज़ किया था ऐप लॉक सेटिंग्स का। आई होप गाइज आप समझे होंगे कैसे इसका यूज़ करना अपने फ़ोन के अंदर। लेकिन अगर आपके मन में फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजिंग वगैरह है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।